मुझे ये जानना है कि शाहरुख खान और सूर्या ही क्यों कैमियो के लिए बहुत अच्छी मतलब यार खान साहब के साथ शाहरुख साहब के साथ मैंने जीरो कर रहा था और उस वक्त मैंने रॉकेट के बारे में जिक्र की थी उनके जन्मदिन पर मैं जब चला गया तो उन्होंने कहा मैडी यार मुझे वो तो स्क्रिप्ट अभी याद है तुम्हारे पिक्चर का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ मुझे पीछे से पासिंग करवा दी तुम्हारे पिक्चर में तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं <laughs> मैं उनसे गले मिला और मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा स्क्रिप्ट के बारे में अभी तक याद रखा है तो थैंक यू वेरी मच तो उन्हें कहा नहीं यार मैडी मैं, मैं सीरियस हूँ मैंने कहा हाँ सर कहता कुछ भी करा ले बैकिंग बैकग्राउंड में पासिंग करा ले या कुछ करा ले पर मैं तुम्हारा पिक्चर का हिस्सा बनना चाहता हूँ तीन दिन बाद सरिता ने कहा मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि देखियो खान साहब ने इतने प्यार से कहा उनको कम से कम मैसेज तो कर दीजिए कि थैंक यू आपने मेरे स्क्रिप्ट के बारे में याद रखा तो मैंने उनको नहीं उनके असिस्टेंट को उनके मैनेजर को मैंने मैसेज किया तो फौरन उनका मैसेज आएगा कि भैया खान साहब पूछ रहे हैं कि आपको डेट्स कब देना है

इंग्लिश में भी मेरे साथ और उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम के लिए नहीं अपने असिस्टेंट्स के लिए नहीं अपने कैरावैन के लिए नहीं जब वक्त आने वाले थे उस वक्त पे आए उन्होंने अपना काम किया मुझे गले लगाए और चले गए क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा उनको नंबी नारायण सर पर यकीन था और रिस्पेक्ट था और सेम थिंग सूर्या ने भी कहा वो बेचारे साउथ से आ गए अपनी पूरी टीम को फ्लाई करके बॉम्बे आए वो डायलॉग राइटर को लेकर आए हुए थे अपने ताकि उनका डायलॉग वो समझ सके इंग्लिश उसको अनुवाद करके जो तमिल में लिखना था सब कुछ किया किसी ने मुझसे पैसा नहीं लिया तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई लोग पूछे ना कि इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं या नहीं तो इन दोनों के बलबूते मैं यकीन दिला के कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे लोग फेथ इन ह्यूमैनिटी रिस्टोर्ड एब्सोल्युटली उन्हीं के <coughs> एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ रहा था जब आप कह रहे थे कि जब आप इतनी शिद्दत से कुछ चाहते हो ना पूरी कायनात विल मेक इट एंड दे जॉइंड इन दिस विजन ऑफ योर्स हां क्योंकि मैं मतलब खान साहब के लिए हूं या अमित जी के लिए हो या आमिर जी के लिए जब भी मैं उनको करता हूं फोन करता हूं या ट्वीट करने के लिए कहता हूं पूरी इंडस्ट्री मुझे सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं लोग ट्वीट करते हैं मेरे ट्रेलर को ट्वीट करते हैं और मेरी वजह से उनको कोई फायदा नहीं है सिर्फ इतना कि वो मेरा काम को पसंद करते हैं या मुझे पसंद करते हैं बस आई एम ग्रेटफुल ग्रेटफुल वेरी आई एम ग्रेटफुल